赶紧拿了，我操！这呢？不是房子？不认识，那就没有干了。家里有这块。बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम डिंगा रनिया हाउस पे मौजूद हैं। यहाँ पे 14 अगस्त की तकरीब नुमाया हो रही है। यहाँ चौधरी एजाज साहब से बयान लेते हैं, ये 14 अगस्त के हवाले से क्या आवाम को पैगाम देते हैं। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी पाकिस्तान का दिन है। मेरी तरफ़ से तमाम डिंगा वालों को, हलका पीपी बत्ती वालों को, बल्कि अहले गुजरात वालों को, अहले पाकिस्तान वालों को ये आज़ादी मुबारक हो। इसके साथ ही मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है। ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान नहीं है, ना ही नवाज शरीफ का पाकिस्तान है, ना ही जरदारी का है। ये पाकिस्तान किसका है? हम सब का पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान की हिफाजत करनी, पाकिस्तान को मजबूत करना हम सब का फ़र्ज़ है। मेरा आप सबको यही पैगाम है कि पाकिस्तान की हिफाजत करें और पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत करें। जब पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। पंजाबी में एक फिक्रा है, अगर सर होगा तो पगड़ी बनी जाएगी, सर ही ना होगा तो पगड़ी कहाँ बनेगी। पाकिस्तान होगा तो हम पाकिस्तानी। माशाल्लाह, आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त है। इसी दिन को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खालिस्तन मुसलमानों का मुल्क है। इसकी आज़ादी के लिए मैं क्या जानूं, आप क्या जाने, कितनी कुर्बानियां हमारे बड़े बुज़ुर्गों को देनी पड़ी। लाखों के हिसाब से लोग कुर्बान हुए, फिर जाकर ये कुर्बान आज़ादी हम सब को हासिल हुई। अगर आज़ादी पूछना चाहते हो तो मकबूजा कश्मीर वालों से पूछो। 70 साल हो गए हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन आज़ादी नहीं मिल रही। ये अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह ताला ने आप सबको आज़ादी दी है। आपको ये 14 अगस्त की आज़ादी, ये पाकिस्तान की आज़ादी, आप सबको मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। ये पाकिस्तान किसका है? ये पाकिस्तान किसका है? मेरा है। ये पाकिस्तान किसका है? मेरा। ये पाकिस्तान किसका है? हम सबका है। इसकी हिफाजत किसने करनी है? मैंने। इसकी हिफाजत किसने करनी है? मैंने। इसकी हिफाजत किसने करनी है? सबने। ये पाकिस्तान को मजबूत किसने करना है? मैंने। इसको मजबूत किसने करना है? मैंने। इसको मजबूत किसने करना है? मैंने। सबने। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे रहे हो ना? चल। जिन्होंने इस हक सच यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त इस वीडियो के देखने के बाद अभी इस हक सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी और आल के ऑप्शन को टच कर दें, ताकि इस पर चलने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचनी शुरू हो जाए। इस चैनल पर कोई भी खबर, इश्तहार और वीडियो चलवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर रابطہ करें।